गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल जिसका नाम पहले फैंटासी क्रिकेट लीग था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बालूचिस्तान और सिंधिया के बीच में पाकिस्तान सुपर लीग का नेशनल T20 का जो मैच खेला जाएगा उस मैच की बात करेंगे प्लेइंग 11 के साथ साथ प्रीवियस रिकॉर्ड और माई फाइव इलेवन और ड्रीम इलेवन टीम की डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। और एक ज़रूरी बात, आपको फाइनल अपडेट एंड फाइनल प्रीव्यू हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और अफगानिस्तान प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्लेइंग इलेवन है वो बहुत लेट में आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रियल इलेवन एप्लीकेशन जो है उसी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें। उसका भी लिंक और रेफरल कोड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसका टीम मैं टेलीग्राम में प्लेइंग इलेवन के बाद शेयर करता हूँ, आप टेलीग्राम में जुड़ के उस टीम का फ़ायदा उठा सकते हो। बात कर लेते हैं आज की प्लेइंग इलेवन की। तो सिंधिया की जो प्लेइंग इलेवन होगा कुरम मंजूर के साथ आबिद अली ओपन करते हुए आपको दिखेगा। आबिद अली पाकिस्तान से वनडे 50 ओवर्स के मैचेस खेले हैं, T20 के ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके पास है नहीं। 20 का एवरेज 104 का स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करते हैं, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है। अब 50 ओवर्स के मैच में इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, तो इसको प्रूव करने का बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़खर जमन जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है उसकी प्लेस में आबिद अली T20 में कमबैक करने की कोशिश में है। उसके बाद एहसान अली, सैद शफीक, सरफराज अहमद जो पाकिस्तान का भी कैप्टन है सिंधिया का भी कैप्टन है, अनवर अली जो फर्स्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, शकील सोहेल खान जो लोअर डाउन द ऑर्डर में लंबे लंबे छक्के हका सकते हैं और बहुत ही अच्छे फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर है जो स्विंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कसिफ बेटी, एहसन जमील एंड मोहम्मद हसनैन जो कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग किए थे, साथ साथ श्रीलंका के अगेंस्ट में एक हैट्रिक भी किए थे। बात कर लेते हैं बालूचिस्तान के प्लेइंग इलेवन की। इमामुल हक के साथ जया ओपन करते हुए आपको दिख जाएगा। हैरी शोएल फर्स्ट राउंड बैटिंग करने के लिए आएगा, उसके बाद हुसैन तराद, इमरान फरहत, बिस्मिल्ला खान जो विकेट कीपर है, अहमद बाट, असगर, उमर गुल, याशिर शाह या आकिर जावेद। हैरी शोएल इसके पहले मैच में 0 किए थे लेकिन प्लेयर बहुत तगड़ा है, आप सभी को पता होगा। इमामुल हक बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं क्योंकि उसका इंजरी हुआ था, इंजरी के बाद बहुत अच्छे स्ट्रांगली कमबैक किया है। इसका प्रीवियस जो अपडेट है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस मैच का जो स्कोर कार्ड है हम यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं माई फाइव इलेवन टीम की। इसके पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बहुत ही छोटा वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इस वीडियो से आपको सारी कुछ पता चल जाएगा, बाकी आप खुद समझदार हो। प्लेइंग इलेवन टीम और ऑल रिकॉर्ड आपके पास है, आप एक बहुत अच्छी टीम मेरे से भी अच्छा बना सकते हो। बाकी मेरे ही टीम से अगर खेलना है या फिर लेटेस्ट अपडेट कुछ लेना है, प्लेइंग इलेवन लेना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा वो सरफराज अहमद के होगा, लेकिन 95 क्रेडिट का प्लेयर है तो इसलिए मैं बिस्मिल्ला खान के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि सरफराज अहमद को अगर लेना होगा तो किसी बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बिस्मिल्ला खान को मैंने प्रेफर किया है। बैटिंग सेक्शन में मैंने इमामुल हक, हैरी शोएल, आबिद अली एंड कुरम मंजूर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है सभी को कवर किया है। आपके पास जो ऑप्शन है ए जिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसके पहले मैच में बहुत अच्छे खेले थे। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे शकील की प्लेस में, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, चलिए बाद में देखते हैं कैसे कवर कर सकते हैं हम। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने अनवर अली, अहमद बाट और एस शकील को लिया है। बॉलिंग सेक्शन में एम असगर, मोहम्मद हसनैन एंड जमील मिर्ज़ा को लिया है। आपके पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है यासिर शाह है, उमर गुल है, सोहेल खान है, ये तीनों को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ रहा है क्रेडिट की इशू की वजह से। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इस टीम में मेरा कैप्टन इमामुल हक ही रहेगा। वाइस कैप्टन में थोड़ा रिक्स लेके आबिद अली को दिया हुआ, आप हैरी सोहेल के साथ भी जा सकते हो, बहुत सारे बंदे हैरी सोहेल के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करोगे, या फिर खुरम मंजूर जो इसके पहले मैच में अच्छा किए थे उसको भी आप दे सकते हो। मैं फ़िलहाल तो आबिद अली के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं सेफ टीम, और आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा देते हैं।
ये रहेगा मेरा टीम का प्रीव्यू। इसी टीम के साथ मैं 2 और 3 मेंबर ज्वाइन करने वाला हूँ। अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंज होगा या फिर कोई प्लेयर नहीं खेलेगा तो मैं टीम में अपडेट करूँगा और वो अपडेट वाला टीम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। रियल 11 एक बहुत ही अच्छे ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पे आप 1 घंटे के अंदर पेटीएम या बैंक विड्रॉल आप ले सकते हो। यहाँ पे भी मैंने टीम बनाई नहीं, पता नहीं यहाँ पे कोई क्रेडिट इशू है या नहीं। अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि क्रेडिट इशू यहाँ पे नहीं आते। चलिए देख लेते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने इमामुल हक, हैरी सोहेल, आबिद अली, ए जिया को लिया हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने अनवार अली, अमन बाट को लिया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में एम असगर, उमर गुल, याशी शाह को भी पिक किया। फिर भी मेरे पास 8.5 क्रेडिट बचा हुआ है। सरफराज अहमद को यहाँ पे पिक कर लिया। और 8.5 क्रेडिट में यहाँ पे अच्छे प्लेयर जो रहेगा, खुर्रम मंजूर तो नहीं हो रहा है, मेरा तो मन है खुर्रम मंजूर को ही ले लें। चलिए यहाँ पे मैंने उमर गुल का हटा के यहाँ पे मोहम्मद हसनैन को मैंने ले लिया है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था। उमर गुल के प्लेस में मैंने मोहम्मद हसनैन को मैंने टीम पे पिक किया और यहाँ पे मैंने कुरान मकसूद को मैंने टीम में ले लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए बेस्ट कैप्टन। कैप्टन मेरा इमामुल हॉकी रहेगा। वाइस कैप्टन में फिर से आबिद अली के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सेव टीम पर क्लिक करते हैं और आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा देते हैं। ये रहेगा मेरा रियल 11 का टीम का प्रीव्यू। इसी टीम के साथ मैं 2 और 3 मेंबर ज्वाइन करूँगा। आप भी ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे पैसा बहुत आसानी से विन कर सकते हो। इसका रेफरल कोड और लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लीग जो एंट्री फीस होता है वो भी बहुत कम रखते हैं और कमीशन बहुत कम रखते हैं और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और थोड़ा सपोर्ट दिखाना चैनल को ग्रो करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।